वेल कुछ सर्विसेज डिसाइड करिए हैं, जैसे कि ग्लोबल हेयर कलर मैं लाइट ब्राउन प्लान कर रहा हूँ, पेडिक्योर है, दैट्स द रीज़न आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स, और क्या क्या सर्विसेज थी हमारी आई थिंक आई एम गोना सजेस्ट देम सजेस्ट इनसे सजेशन लूँगा मैं एंड आई एम गोना आस्क देम कि भाई कौन सी चीज़ मुझ पर सूट करेगी. एंड या एक फेस क्लीनअप है जो मैं वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई बीन शूटिंग रेगुलरली, तो एक बहुत ज़रूरत होती है आपके फेस को ख्याल रखने के लिए. सो फेस क्लीनअप करवाने वाला हूँ एंड या देखते हैं और क्या सर्विसेज देते हैं. यार देखो, एक एक्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका उसका फेस, उसकी बॉडी. सो उसका ख्याल अगर आप रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, बिकॉज़ आप में कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब आप अच्छे लगेंगे, अच्छे दिखेंगे, अच्छे चलेंगे. सो या सो एज एन एक्टर आपको ख्याल देना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए अपनी बॉडी का, अपने फेस का, बिकॉज़ फेस ही बिकता है अल्टीमेटली. स्क्रीन पर जो देखते हैं लोग, आपके फैंस होते हैं, वो आपके फेस की वजह से होते हैं, आपकी एक्टिंग की वजह से होते हैं. सो ये दोनों चीज़ इट गोज़ हैंड इन हैंड. वेल, मैं इतना ग्लो कर रहा हूँ अभी, मुझे अभी बताया कि यार कि लाइटों की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो लाइट्स अभी सारी ऑफ हैं, आपको जो लग रहा है ये मेरी लाइटिंग है. तो बट बहुत अमेजिंग सर्विस थी. और अभी मैं एक ब्लैक मास्क लगा के आया हूँ और एक यूथ फेशियल करके आया हूँ, तो मुझे लग रहा है बड़े यूथफुल फीलिंग आ रही है. और वी हैड पेडिक्योर एंड ग्लोबल हेयर कलर, सो हैड एन अमेजिंग टाइम. थैंक यू सो मच टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर हैविंग मी ओवर हियर.